हाय फ्रेंड्स, आज मैं प्रधान पाठ उत्सव का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं और मेरी बहन दोनों को ही देखने जा रहे हैं। देखिए, रात का टाइम है। और यहाँ पे अंदर गाड़ी बाइक कुछ लेने के लिए नहीं दे रहे हैं, दूसरे साइड रखने के लिए बोल रहे हैं। और हर कोई पैदल जा रहे हैं। देखिए कितना सारा भीड़ है। अब हम लोग पहुंच गए हैं और ये विज्ञान मेला जैसा होता है। और हर कोई अपना अपना स्टॉल लगाए हैं। अपना अपना हुनर दिखाने के लिए ये लोग बाहर से आए हैं। और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का है। देखिए कितना सारा छोटा छोटा पौधा है। और यहाँ पे ढेर सारा मछली है। इस कुआं के अंदर भी है। और यहाँ पे मुर्गी और बत्तख का अंडा है। और यहाँ पे खेती के बारे में दिखाए हैं।
और यहाँ पे खेती करने वाला गाड़ी है। और यहाँ पे दुकान लगा है और ये लोग अपने हाथों से बनाए हैं अगरबत्ती, वो बेचने के लिए लाए हैं। और यहाँ पे लकड़ी का सामान मिल रहा है। और यहाँ पे मिट्टी का बर्तन है, गिलास है, कप है, पानी बोतल है, धूपदानी है, कढ़ाई है, सारे मिट्टी के बर्तन है यहाँ पे। और यहाँ पे शंख बिक्री हो रहा है और शंखा भी, और जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्ति भी बिक्री हो रहा है और दिया बिक्री हो रहा है। और पीतल का छोटा छोटा बर्तन भी बिक्री हो रहा है जो पूजा करते हैं। और ढेर सारा अलग अलग दुकान है, और यहाँ पे अपने हाथों से बनाए हैं डिटर्जेंट और मड़ुआ का बिस्कुट है। और यहाँ पे बांस का सामान बिक्री हो रहा है। और यहाँ पे भगवान जी का पूजा का कपड़ा, और यहाँ पे हर किस्म का अचार है और बड़ी, देखिए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे साइड जा रहे हैं। और यहाँ पे खाने का दुकान है और बच्चों सब का झुलवा आया है। और यहाँ पे पोला बिक्री हो रहा है। और देखिए ये हम लोग इन लोग से भेंट हो गए हैं, ये मेरे दीदी हैं और फुआ हैं। थोड़ा रुक कर बात किए, ये लोग भी देखने के लिए आए थे। देखिए यहाँ पे बच्चों सब का झुलुआ है।
और यहाँ पे स्टेज बना है और बच्चे लोग अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और जो कोई पार्टिसिपेट है यहाँ और देखिए कितना सारा भीड़ है यहाँ पे और मैं जितना कर सकी हूँ उतना आप लोगों के लिए दिखाई हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और बहुत भीड़ था, मैं और वीडियो नहीं कर पाई हूँ। और मैं जितना कर पाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम लोग घर जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।